एक ही जल्द मंजिल जो तुम्हारे मन को भाई है, और हम इतनी दूर से आए पवन जी को दुआ देने, हम इतनी दूर से आए पवन जी को दुआ देने, और रहो खुशहाल रहो खुशहाल, तुम हर पल जन्मदिन की बधाई हो। अरे छोटा ताली के साथ पर कोई रहो खुशहाल। अच्छा ताली के साथ यदि आप चाहो तो मेरे साथ देना, अपना परिवार है, साहित्यिक परिवार है, काफिला का परिवार है, मेरे साथ एक बार ताली बजाकर मेरे इस मुहूर्त के साथ साथ देना, बड़ा आनंद आएगा। सब सुनिएगा दो शब्द आपके, ये काफिला ये मित्रों के महफिल को समर्पित करता हूँ कि आज आए तो एक दूजे जानी सारी करते हैं, आज आए तो एक दूजे पे जानी पार करते हैं, रब से ज्यादा दोस्ती पर यहाँ इतबार करते हैं, खुशी का रंग भरने आए हैं सब तेरी महफिल में, खुशी का रंग भरने आए हैं सब तेरी महफिल में, देखो तो देखो तो जरा तुमसे ये कितना प्यार करते हैं, देखो तो। अब आपको ये तो दो पंख के बिना भाई मिल जाओ तब तक ताली बजाते रहोगे। आदरणीय नरेंद्र जी बैठे हैं, शहीदों की बात करी आपने, शहीदों की पहचान की बात करी, चूंकि मैं वीरगंज का कवि हूँ मेरा स्वभाव नहीं है, मैं मानता हूँ कि तो भगत सिंह चंद्रशेखर आजाद सुभाष वीर भगत सिंह का वंशज हूँ, इसलिए मैं अपने शहीदों को प्रणाम करते हुए भाई साहब आदेश चाहता हूँ, क्योंकि आपने बात कर ली थी एक मंच से, इस काफिले के मंच से एक बात भी गई, मैं बहुत देर से अध्ययन कर रहा था, एक अच्छा विद्यार्थी भी हूँ, कि कहीं ना कहीं देश की संस्कृति को ना भूलते हुए हमारा काफिला आज आगे बढ़ते जा रहा है संस्कारों के साथ। तब मैंने कुछ कहने का प्रयास करा, मैं अपने पूर्वजों की बात करता हूँ, देश की आजादी को हम कैसे याद करेंगे यदि एक शब्द पंजाब को उसमें शहीद का भी नाम आता है, तो मैं चाहूंगा आपका सदन तालियों के साथ मुझे आशीर्वाद प्रदान करना, हम आजादी कैसे याद करेंगे कि वीर शिवा और राणा की जवानी याद आएगी, और युद्ध में उद पड़ी झांसी की रानी याद आएगी, और भगत सिंह को लगे फांसी का फंदा देख तुम लेना, भगत सिंह को लगे फांसी का फंदा देख तुम लेना, तुम्हें आजाद भारत की कहानी याद आएगी, तुम्हें आजाद भारत की कहानी याद आएगी, और इसकी पहचान से तेरी मेरी पहचान जिंदा है। पंच का स्वागत मेरे आदरणीय बहन बड़ी बहुत अच्छा संचालन करती थी, आशा मैं चाहूंगा मेरी आपसे कि इसकी पहचान से तेरी मेरी पहचान जिंदा है, ये सदियों तक रहे खुशहाल यही अरमान जिंदा है, और वतन चलता वतन चलता सियासत से कभी ये बात मत करना, और शहीदी खून के दम पर ये हिंदुस्तान जिंदा है, शहीदी खून के दम पर ये हिंदुस्तान जिंदा है। और एक मतलब शेर को सुन करके तरन्नुम में गजल सुनाने की कोशिश करता हूँ साहब, कि वो सूखे हैं तो क्या उनकी अभी पहचान हो बाकी, वो सूखे हैं, वो सूखे हैं तो क्या उनकी अभी पहचान बाकी है, वो सूखे हैं तो क्या उनकी अभी पहचान बाकी है, और किताबों में दबे फूलों में पहचान में दबे फूलों में अभी पहचान बाकी है, और सदियों तक चली साजिश की हस्ती नहीं पाए, सदियों तक चली साजिश
उधर खड़े हैं, जिनके हिंदी का इतना अच्छा सम्मान हमको यहाँ मिल रहा है, तब मैं एक नजर प्रस्तुत करता हूँ। तुमसे छुराया करेंगे बाबों को, तुमसे चुराया करेंगे, और मेरे शब्द तुमको जगाया करेंगे बाबों को, तुमसे 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 बाबों को तुमसे चुराया करेंगे, मेरे शब्द तुमको जगाया करेंगे। कि गगन भी है सुना तो नदियां भी सूखी, गगन भी है सुना तो नदियां भी सूखी, समंदर भी आंसू बहाया करेंगे बाबों तुमसे चुराया करेंगे, और मेरे शब्द तुमको जगाया करेंगे। किताबों की दुनिया पुकारा करेगी, किताबों की दुनिया पुकारा करेगी, मेरे तुमसे चुराया करेंगे, और मेरे शब्द तुमको जगाया करेंगे। इस शेर पर खास तौर पर मैं मुझे आशीर्वाद चाहूंगा कि दरिया के दोनों, दरिया के दोनों किनारों को हम ही हूं, चलाकर मिलाया करेंगे ख्वाबों तुमसे चुराया करेंगे, और मेरे शब्द तुमको जगाया करेंगे। मक्के का शेर बंदर था कि दुनिया की रस्मों से बेखौफ होकर, दुनिया अटल हम कलम को चलाया करेंगे ख्वाबों तुमसे चुराया करेंगे, मेरे गीत सब गुनगुनाया करेंगे। और मित्रों एक शेर और एक मतलब तीन शेर प्रस्तुत करता हूँ आज तीनों पुस्तक के नाम। आदरणीय मंच का आशीर्वाद चाहूंगा कि सियासतदार हाथों में कभी बिकता नहीं साहब, सियासतदार हाथों में कभी बिकता नहीं साहब, और ये शब्दों का काफिला कभी रुकता नहीं साहब, ये शब्दों का काफिला कभी रुकता नहीं साहब, और जिंदगी रहते अगर इसकी हम कीमत समझ पाए, जिंदगी रहते अगर इसकी हम कीमत समझ पाए, कभी ठहरा हुआ समय वापस मिलता नहीं साहब, कभी ठहरा हुआ समय वापस मिलता नहीं साहब। और सुनो सुनो एक बात सुनो मेरे भाई, सुनो 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 एक बात, तुम यूं मत आजमाओ प्यार को मेरे, सुनो सुनो एक बात, तुम यूं मत आजमाओ प्यार को मेरे, और सितम करोगे आगे ये कभी झुकता नहीं साहब, सितम करोगे आगे कभी झुकता नहीं साहब, और कुदरत के कहर से दब के कहीं गुम हो गया वो बाबा केदारनाथ शब्द कि कुदरत के कहर में दब के कहीं गुम हो गया वो, और जिंदा है मंटो मगर यहाँ ढूंढता नहीं सहा, जिंदा है मंटो मगर
दुनिया अपने रिश्तों को कभी भी बांट नहीं सकती, और ये मोहब्बत का दामन है, कभी छूटता नहीं साहब, ये मोहब्बत का दामन है। आखिरी मतलब जगह हुआ कि जब माँ और बुजुर्गों की दुआएं संग है, माँ पर बात करें कि मेरी बहन यहाँ पर मक्के के पहले याद लगे लाइन पढ़ना चाहता हूँ, माँ यहाँ बैठी है कि सृजन महादीप मंत्र बनी सृष्टि में सुंदर होती है। सृजन महादीप मंत्र बनी और सृष्टि में सुंदर होती है। अरे तेरी हो या तेरी हो, माँ तो माँ ही हो, तेरी हो। इसलिए मक्के का शेर लिखना कि जब माँ और बुजुर्गों की दुआएं संग है अटल, जब माँ नहीं है साहब, आज भी बहुत बहुत धन्यवाद।